आप भी टकले हो रहे हैं क्या? आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं क्या? आपको भी टकलेपन की शुरुआत हो रही है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक अमेजिंग सा वीडियो लेके, नॉलेज वाला वीडियो लेके। तो आज मैं आपको इस शुरुआती टकलेपन से बचने के लिए कुछ आसान सी टिप देने वाली हूँ, कुछ आसान से उपाय बताने वाली हूँ। अरे अरे, ये मत सोच बैठिएगा कि आपके चांद जैसे टकले पर बाल उगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और ये भी एक कोशिश है, अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देंगे। तो चलिए अब फालतू की बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तैयार करने के लिए आपको लेना होगा धनिया, जिसे हम कोरिएंडर भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको धनिये को लेना है और जिस तरीके से मैं इसे तोड़ रही हूँ उसी प्रकार आपको भी धनिये को तोड़ लेना है, धनिये की पत्तियों को तोड़ लेना है। और अपने बालों के अकॉर्डिंग जितने आपको ज़रूरत है उतना आप धनिया तोड़ लीजिए। जितना मैंने लिया है उतना भी काफ़ी है, क्योंकि आपको सिर्फ स्कैल्प पर यूज़ करना है इसे। अब इसे आप साफ़ पानी से धो लीजिए और धोने के बाद में आपको इसे अच्छे से धोने के बाद में आपको मिक्सर में इसे पीस लेना है, अच्छा से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट बनाने के लिए इसमें आप थोड़ा पानी भी ज़रूर डालिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से पीस जाए। और पीसने के बाद आप इसे एक बाउल में निकाल कर एक छन्नी से, साफ छन्नी से इसे छान लीजिए। अब ये छाना हुआ रस आपको यूज़ करना है अपनी स्कैल्प पर, जहाँ पर आपके बाल झड़ रहे हैं या जहाँ पर आपको टकलेपन की शुरुआत हो रही है। और आपको ये स्कैल्प पर 2 घंटे तक लगाए रखना है। इसके बाद में साफ पानी से बालों को धो लेना है। तो देखा ना कितना इजी था, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपको भरपूर नींद, सही दिनचर्या और हेल्दी डाइट को लेना पड़ेगा। आपको इसके साथ में स्ट्रेस भी कम करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये सब चीज़ें करना, और इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।